में राज्यसभा का रुख करना होगा, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का साठ साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सककर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है।
एक तिहाई हुआ है, दो तिहाई बाकी, और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एक निष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं, और इसलिए एक सुभग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा है। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उतने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शक। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्यों लाए। और
आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजों में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेजों में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो, देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया और इसे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए। आदरणीय सभापति जी, ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई और जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है, तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल। इस बार देश की जनता ने हमें 5 नंबर से
नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान है। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदि है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते, आने वाले वर्षों में पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसको गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के है, आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है से कह सकता। आदरणीय सभापति जी, जब देश
इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे टीयर टू, टीयर थ्री सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा। आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी, और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है, और इसका लाभ भारत के कोटि कोटि जनों को जन्म से जन्म मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पैटर्न की रजिस्ट्री हो, मैं साफ कह रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर, भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में चार प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। शांति के साथ आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी कई साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं, और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। बीते 10 वर्ष में हमारी खेती
किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल कटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया। करीब देश के 3 करोड़ किसान थे, सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ आई 10 करोड़ किसानों को हुआ है। अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस आई और 6 साल में की जनरेशन ऑफ हमने प्लीज टेक योर सीट 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट हम किसानों को दे चुके हैं। इज अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्डक्ट आदरणीय सभापति जी, बिकमिंग ऑफ योर कॉन्डक्ट। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका
मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं, शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है, मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ऑथ दे हैव अंडरटेकन। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां
कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है, देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया, सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, इतना ही नहीं खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी, पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आदरणीय सभापति जी, अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग, वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए
कानून बनाने का काम किया है। और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है, अच्छा भारत इतना प्रोग्रेसिव है, भारत की तरफ बड़े गर्व की नजर से देखा जाता है। हमने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे गुमंत जनजातीय समुदाय, हमारे गुमंत साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, पीवीटीजी। हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ और आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़, ये समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा से जिसकी वोट की ताकत है उसी की चिंता करना, लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हमने वो चिंता की है क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो हमारा विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। हमने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आई। आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी, हालत थी। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं, वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं। और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था, आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो पहले खुद मजदूरी करता था, आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती,
ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्हें बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है आदरणीय सभापति जी। टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिलकर के करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और आज गांव में किसानों को मदद करने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम गांव की हमारी महिलाएं कर रही है। और मैं जब उनसे बात कर रहा था मुझे कह रही है, अरे साहब हम तो कभी साइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा। और इस गरिमापूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कैसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है।
वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खले में हुई है, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। आदरणीय सभापति जी, और इस नतीजों के कारण भारत विश्व भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनकर के उभर रहा है। इप्स और बर्ड्स का समय पूरा हो चुका है और भारत में विदेश का निवेश भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेके आता है। भारत के युवाओं के टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसर बन जाता है।